फ्रेंड्स, फिर से मेरे नए ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैंने बहुत सारा काम था, इसीलिए अब जल्दी खाना नहीं बनाया। और मैया स्कूल गई है, बाबू सोया है, देखिए आप लोग देख सक रहे हैं, तो वो सो गया है। तो मैंने नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, जा रहा मैं खाना जल्दी बनाऊँगी, भूख लग रहा है हमको। और मैया स्कूल गई है तो उसके लिए हम लोग सुबह आटा आज ख़त्म हो गया था, तो उसको आज मैगी बना के स्कूल भेजे हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, मैंने गोभी का सब्ज़ी बनाऊंगी। तो गोभी को गर्म पानी में थोड़ा सा डाल लिया है, देखिए यहाँ पर हम गोभी को चढ़ाए हैं गर्म पानी में थोड़ा सा उबालने के लिए। तो ये हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए हमने मैगी बनाया था सुबह, तो मैया खाई है, बाबू को लिए थोड़ा सा रख दिए हैं और हम खा रहे हैं। थोड़ा सा भूख लग रहा है हमको बहुत ज़ोर से, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज मिर्चा और टमाटर काट लिया है, और यहाँ तेल गर्म हो रहा है। और सब्जी को यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं इसको उबाल के। तो फ्रेंड हम इसमें प्याज डाल दिए हैं और मिर्चा डालेंगे, इसको पूरा भून जाएगा। तो हम सब्जी डालेंगे, देखिए फ्रेंड पूरा प्याज हो गया है, पूरा भून जा गया। तो इसमें गोभी को डालूंगी, फ्रेंड मैंने मसाला उसाला सब डाल दिया है, इसको पूरा अच्छी तरह से धनिया कर लेंगे, ढक देते हैं थोड़ा देर के लिए। तो फ्रेंड मेरा सब्जी हो गया है, देख चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये फ्रेंड मेरा सब्जी हो गया है, जिसको जिसको खाना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। गैस बंद कर दे रहे हैं सब्जी को, सब्जी बन के तैयार है, खाना यहाँ है। और सब्जी हम लोग का तैयार हो गया, देखिए कल मैंने बूटा खरीद के लाया है, तो इसको मैं शाम को पकाऊंगी। अभी तो जा रही हूँ मैं खाना खाने, और अभी तक देखिए बाबू उठा नहीं है, अभी तक सो रहे हैं। उसका तबीयत ख़राब फिर से हो गया था रात को, बुखार, तो दवा खिलाए हैं इसीलिए वो सो रहा है। तो उसको भी सोचे नहलाएंगे, फिर सोचे नहीं तबीयत ख़राब है तो नहीं नहलाना है। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।